और यहाँ से शुरू होता है हमारा नुब्रा से पैंगोंग का सफ़र। पर सफ़र शुरू करने से पहले हमें कहाँ पता था कि ये दिन हमारे लिए कुछ नई चुनौतियाँ लेकर खड़ा हुआ है। हमें कहाँ पता था कि ये लंबे रास्ते हमें किस मोड़ पर रोकने वाले हैं। हमें कहाँ पता था कि इन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच हमें घंटों फुर्सत के लम्हे बिताने का वक्त मिलने वाला है और कुछ नई यादें बनाने का भी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम नुब्रा हुंदर। अभी आई हैव दिस स्कूटी विद मी। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आई डिसाइड कि मैं और शिवानी पीछे बैठी हुई है, हम दोनों ये स्कूटी लेके डिस्किट, जो यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर आपने बहुत बड़ा सा बुद्धा का स्टैचू देखा होगा, हमने सोचा हम वो देखने जाते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो भी लोड हो रही है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा आने में। सो वी थॉट कि चलो हम जाकर डिस्किट तक होकर आते हैं। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग। और ये स्कूटी हमारे जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं जिस कैंप साइट में, उनकी है। तो यप, यही रास्ता था ना, एक ही रास्ता था। Minutes later. And everybody, we have reached here. This kid, और यहाँ पर this humongous मैत्री बुद्धा का स्टैचू है, which is 106 feet long. I mean height. और इतना humongous, इतना magnificent लग रहा है यहाँ से, आई मीन आई कांट इवन टेल यू। और अभी यहाँ पे देर इज़ नो बडी, वी आर द ओनली 2 पीपल, और लोकल है कुछ 2-3, उसके अलावा कोई भी टूरिस्ट नहीं है। और इतना अच्छा लग रहा है। हाँ, वी मेड राइट डिसीजन, हम आ गए जल्दी से निकल के लोगों के आने से पहले। आई मीन वो लोग वो तो यहाँ पे नहीं आ सकते, सो दैट्स व्हाई वी केम। और ये डिसीजन काफ़ी सही था। आई एम फीलिंग सो बड़ी द अपडेट इज कि हम डिस्किट जो गोमपा था वहाँ से हमारे द थिंग इज़ कि हम थोड़ा सा आगे चले थे हुंदर से और पैंगोंग के लिए हम निकल चुके हैं, पर एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमारी गाड़ी में जो है नीचे का पट्टा होता है, आई डोंट नो व्हाट इट एग्जैक्टली कॉल्ड, पर वो निकल चुका है और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा आसपास आर्मी कैंप है, वहाँ से हेल्प मांगनी पड़ेगी, क्योंकि देर इज़ नो वर्कशॉप, नथिंग, गैरेज वैरेज कुछ नहीं होता इस रास्ते पे। सो वी आर प्रीटी टेंस्ड राइट नाउ। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, आपको दिखाती हूँ कौन सी गाड़ी है। क्या नहीं चल रहा, बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहा। लेट है, क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो क्रिकेट जहाँ पर गाड़ी हो जाए खराब। दिस इज वॉट वी डू। यहाँ हुई है हमारी इस गाड़ी की थोड़ी सी प्रॉब्लम और यहाँ पर टाइम पास, जब तक वो सामान आएगा पार्ट, तब तक सारे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये टेंशन वाला माहौल, पर इनको कोई टेंशन नहीं है, इनकी गाड़ी की मरम्मत होनी है और इनको कोई टेंशन नहीं है, ये लोग खेलेंगे यहाँ पे क्रिकेट। चलो चलो चलो, ये तो वाइट है भाई, तुम्हें बिठा
राहुल द्रविड़ बनो यार। अरे ओह माय गॉड, ये बड़ी सही चोटी कर दी मेरी भाभी ने। आहा, यहाँ पे ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और हमने सोचा हम भी थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, तो ये मस्त सी चोटी बन गई मेरी। चल 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 चल। Several bad puns later. चलो इज्जत। ओह गॉड, ये हमारे विकास ब्रो बॉलिंग करते हुए और ये बॉल, ओ क्या बात। A few moments ago. Stella स्विमिंग सीखेगी। Stella, go, 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 Stella, go, go. ड्रिंक बनाते हैं तो आई हैव ग्लूकॉन डी लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था लद्दाख में गर्मी होने वाली है। वैसे तो ये ऐसी खाने में बड़ा मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आता है कि ऐसी सूखा सूखा खाने में। वैसे बाय द वे इन नज़ारों के साथ अब इसमें रिफ्रेशिंग मज़ा आ गया। जैसे मेरे साथ वाले आते हैं उनको भी पिलाती हूँ बना के, दिल फील लाइक। तो एवरीबडी, वी आर नाउ लीविंग बिकॉज हमारी जो वो गाड़ी थी उसका वो पार्ट नहीं मिला और अब आगे ही जाना पड़ेगा। अभी 4 घंटे वेट करने के बाद नाउ वी आर लीविंग अहेड। पेंगोंग का जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। एंड मेरे साथ पेंगोंग का रिश्ता इज लाइक मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है क्योंकि पहले भी, इससे पहले जब मैं आई थी तब लैंडस्लाइड हो गया था तो मैं पेंगोंग नहीं जा पाई थी। नाउ दिस टाइम दिस थिंग हैपेंड, अभी आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बट यप, जर्नी कंटिन्यू है, चल रही है। लेट्स गो। अभी थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी शुरू हो गई है तो चल रही है हमारी एक गाड़ी जो ख़राब है वो भी यहीं पर खड़ी है, मतलब सारे 4 गाड़ियाँ हो गई। अब एक वापस आ गई शौक से। अभी आज पेंगोंग जाने का सीन क्या है ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, बट टिल देन हम अच्छा वाला खाना खाते हैं। हमारी किचन टीम जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत से हमारे लिए मैक्रोनी और रैप्स बना कर भेजे हैं तो ऑब्वियसली खाना बनता है, बट द व्यू इज़ अमेजिंग, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आई मीन लंच द व्यू, रुको दिखा दे, लेट मी। तो हम शिवानी तुरंत टर्न हो जाती है। Later. So guys, after मैं आपको अपडेट करना चाहती हूँ कि वी आर स्टक हियर इन दिस विलेज कॉल्ड श्योक, और यहाँ पर हम एक होम स्टे कम कैफे कम हमारा घर आज की रात का हम यहाँ पर रुकने वाले हैं। अब बात ये हो गई कि हम जा तो रहे थे पेंगोंग के लिए, बट रास्ते में शाम हो गई, निकलते निकलते गाड़ी फिक्स करते करते एंड देन रास्ते में हमें मिलिट्री का बहुत बड़ा कॉन्वॉय मिला जो कि 70-80 गाड़ियों का, वो क्रॉस कर पाना इट्स नेक्स्ट लेवल इम्पॉसिबल, और हम पहुंच ही नहीं पाते पेंगोंग, लाइक रात हो जाती। सो दैट्स वाई वी डिसाइड कि हम यहाँ पर रुकते हैं इस विलेज में एंड हम यहाँ पर आज रात को स्टे करने वाले हैं, कुछ कैंप्स भी लगाएंगे और यहाँ पर स्टे करेंगे और या दिस इज़ द प्लान। और हमारी जो किचन टीम है उन लोगों ने आज इस यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है और यहाँ पर
इनको बहुत ही प्रॉपर किचन मिला हुआ है. ओहो वाओ शेफ क्या बन रहा है वैसे आज शेफ दीपक. हाँ जी कोबरू. हाँ क्या बात है, मतलब आज तो आप लोग हम लोग को खिला खिला के मारोगे. ओह वाओ हिमाचली एक दिन में पूरी. और ये हमारे कुछ हेल्पर्स भी हैं जो लोग चॉपिंग में हेल्प कर रहे हैं. दीपक राहुल ये बना रहे फ्रेंच फ्राइज. आ हा हा क्या बात, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ना बहुत दिन बाद ऐसे किचन में काम करके. मजा ही आ जाता. ये एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कैसा था ओवरलैंडिंग का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, इसका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है. ओवरलैंडिंग पे सब कुछ करना, काफी कुछ मैनेज करना पड़ता है, काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं. राइट, बट वो जो मजा होता है वो मजा वो अपना है. तो दीपक आप क्या कहना चाहोगे इस ओवरऑल ओवरलैंडिंग के बारे में, कैसा रहा आपका? बेस्ट दिन कौन सा था आपके हिसाब से? राइट, और वहाँ पे रेत की वजह से ना. हाँ याद रहेगा हमेशा. ओके तो आज अभी खाना जैसे तैयार होगा मैं आपको पूरा खाने का ओवरव्यू दूंगी. हमारा डिनर रेडी है. चना चना चाट, एग भुर्जी, जीरा आलू, पनीर भुर्जी, रायता, एंड दिस इज खोबरू. खोबरू और शाही टुकड़ा. ओ माय गॉड, वाह 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 क्या बात. व्हाट इज खोबरू? आई डोंट नो, इट्स अ लोकल हिमाचली डिश ना, पहाड़ी डिश.